टी20 वर्ल्ड कप के दूसरे सेमीफाइनल में भारत ने इंग्लैंड को 68 रनों से रौंदते हुए फाइनल में जगह बना ली है और फाइनल्स में भारतीय टीम पहुंची है, साउथ अफ्रीका के साथ खेलेगी और खिताबी जंग में जीत के साथ भारत खिताब अपने नाम करने में कामयाब रहे, इस बात की उम्मीद हर भारतीयों को है। भारतीय टीम तीसरी बार टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल्स में पहुंची और इससे पहले भारत 2014 में टी20 विश्व कप के फाइनल में पहुंचा था गयाना में। इस मुकाबले में भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 171 रनों का लक्ष्य इंग्लैंड को दिया और इंग्लैंड को जीत के लिए 172 रन का लक्ष्य दिया था, माफ कीजिएगा, और 171 रन भारतीय टीम ने बनाया। इसके जवाब में इंग्लैंड 103 रन पर ही ऑल आउट हो गए। भारत के लिए अक्षर पटेल ने, कुलदीप यादव ने 3-3 विकेट्स लिए जबकि जसप्रीत बुमराह को 2 विकेट्स मिले और मैच में शानदार प्रदर्शन के लिए अक्षर पटेल को मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया गया। और इंग्लैंड ने 2022 में मेलबर्न में हुए सेमीफाइनल में भारतीय टीम को 10 विकेट से हराया था और इस मैच में भारत ने इंग्लैंड को हराकर उस हार का हिसाब भी चुकता कर लिया। अंशिका, भारत के लिए रोहित शर्मा ने 57 रनों की शानदार पारी खेली, उनके अलावा सूर्य कुमार यादव ने 47 और हार्दिक पांड्या ने 23 रनों की पारी खेली। अब फाइनल में 29 जून को भारत का मुकाबला साउथ अफ्रीका से होगा और काफी दिलचस्प मुकाबला था इंग्लैंड और भारत का, बहुत अच्छे तरीके से जो प्रदर्शन है खिलाड़ियों ने दिए हैं, अक्षर पटेल मैन ऑफ द मैच रहे हैं, सेमीफाइनल में इंग्लैंड बुरी तरह से हारा है और अब भारत जो है फाइनल्स में पहुंच चुका है।